हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या। तो ये है डाई इलेक्ट्रिक, जिसको हिंदी में विद्युत रोधी कहते हैं। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे तो इसका कुछ रीजन भी होगा। तो चलिए, इसमें आज हम कुछ विशेष बातों को हम लोग आज देखेंगे, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप समझिएगा जरूर, इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इज नॉन एज डाई इलेक्ट्रिक, यानी नॉन कंडक्टिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उसको ऐसे मटेरियल को, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, विद्युत धारा को चालित नहीं करते, यानी अपने से होकर गुजरने नहीं देते हैं, जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, ऐसे मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। समझ में आ गया। एग्जांपल दे देते हैं, ग्लास हो गया शीशा, ठीक है, ग्लास हो गया कांच, वैक्स, ये भी कोई मटेरियल होता है। वाटर, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वाटर फिर कैसे हो, तो अशुद्ध जल, ठीक है, जिसमें आयोडीन जिसमें नहीं होता है, जिसमें खनिज लवण ये सब, तो वैसे जल, अशुद्ध जल, ठीक है, मिनरल वाटर, उसको हम फिर डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, विद्युत रोधी, वो ऊष्मा का चालन नहीं करते। एयर हो गया, और एयर भी वैसा एयर जो जिसमें किसी तरह का अन्य गैसेज ना मिले हो, ठीक है, वैसे एयर, ठीक है। तो फिर वुड, लकड़ी, सूखा लकड़ी, ड्राई वुड, ठीक है, फिर रबड़ हो गया, फिर प्लास्टिक हो गया, स्टोन, पत्थर हो गया, तो ये सारे पदार्थ जो है ना, ये सारे मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कि डाइलेक्ट्रिक यानी विद्युत रोधी के कितने कितने प्रकार हैं। तो ये दो प्रकार के मुख्यतः है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो आपने पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो क्लास 11 में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग डाइपोल मोमेंट का बात करते थे, पोलराइजेशन का बात करते थे, ठीक है, जिसको ध्रुवण कहते हैं। तो वे सारे चीज़ों को हमने क्लास 11 में पढ़ा था। तो यहाँ पर थोड़ा उसी को हम थोड़ा देखते हैं कि क्या है। तो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में कि पहला है पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसको, या फिर आप पोलर मॉलिक्यूल्स के रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या, मटेरियल ही है, तो आप मॉलिक्यूल्स भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे कि आखिर ये है क्या। तो ए मॉलिक्यूल इन विच, जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस में पाया जाता है, प्रोटोन में। तो प्रोटोन का सेंटर ऑफ मास यानी केंद्रक यानी सेंटर, एंड डू नॉट कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में, यानी इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास यानी कौन, ठीक है, केंद्रक सेंटर, तो दोनों कॉन्साइड नहीं होते। अब कॉन्साइड का मतलब क्या है, कॉन्साइड का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, यानी दोनों का केंद्र सेंटर यदि कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर है दोनों का सेंटर, ठीक है, तो उसको कॉन्साइड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि डू नॉट कॉन्साइड, जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं होता है, जिसका कॉमन पॉइंट नहीं होता है, सेंटर जिसका सेंटर कॉमन नहीं होता है, दोनों का अलग अलग, या बहुत जितने भी मॉलिक्यूल सबका सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पर है, तो उसको हम कहते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। चलिए, ये समझ में आ गया आपको। तो देख रहे कि पोलर जब डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना विद्युत रोधी, वो पोलर मॉलिक्यूल्स से बना होता है। तब पोलर मॉलिक्यूल्स आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ा होगा, जिसमें हमने HCl पढ़ते थे, NH3 अमोनिया पढ़ते थे, CO, ठीक है, पढ़ते थे कार्बन मोनोऑक्साइड, CH3OH पढ़ते थे, ठीक है, ETC, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल के पास जो है ना, वो अनसिमेट्रिकल शेप होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है ना, पोलर मॉलिक्यूल का, वो अनसिमेट्रिकल होता है, यानी जैसा मन तैसा इसका शेप हो सकता है, ठीक है। तो देख रहे कि इसका शेप, जैसे हमने एक HCl का ही शेप ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हम HCl और H2O का शेप ले लेते हैं, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल, देखिए ये मैंने बुक से फिगर को लेने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह, देखिए क्लोरीन का सेंटर ऑफ मास ये है, हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास ये। तो देखिए दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, क्या ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, नहीं है, तो ये कॉन्साइड नहीं है। तो इस तरह HCl किसका एग्जांपल हो जाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो उसी तरह हम देखते हैं H2O में, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ पर है, क्या है, सेंटर ऑफ मास, हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो काफ़ी दूर दूर में, देखिए क्या एक ही पॉइंट पर
तीनों का सेंटर ऑफ मास है, नहीं है, तो इस तरह ये कॉन्साइड नहीं है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल हो गया। आप देखिए, मैंने आपको डायपोल मोमेंट में आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने एक डायपोल छाप कर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर माइनस चार्ज को हमेशा लेना है, यहाँ पर प्लस चार्ज को हमेशा लेना है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर मान लेते ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल, तो दोनों का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जिसको हम पी वेक्टर से डिनोट करते थे डायपोल मोमेंट को, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है, ये याद रखिए, मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, देखिए क्लोरीन माइनस होता है और हाइड्रोजन प्लस होता है, तो इसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है, सॉरी माइनस से प्लस की ओर। फिर उसी तरह ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है, फिर हाइड्रोजन प्लस होता है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। इस तरह से आपको कहीं इस तरह कोई यदि आपको पूछ देता है कोई टीचर की या कोई स्टूडेंट आपको पूछ देता है, कोई फिगर दे देगा बना के आपको, वहाँ पर बोलेगा कि आप डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ड्रॉ करके दिखाए, तो आप इस तरह सोच लीजिएगा कि जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है उसको पहले छांट लेना है, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन दिखा देना, बस सिंपल सा बात है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम लोग देख रहे हैं ये HCl और H2O का हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी में मैंने इस तरह बताया है, ठीक है। तो ये है कि पोलर मॉलिक्यूल है परमानेंट डायपोल मोमेंट, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस तरह के डायइलेक्ट्रिक के पास पोलर किस तरह के डायइलेक्ट्रिक के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, तो पोलर डायइलेक्ट्रिक के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। क्यों परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि इनके पास जो डिस्टेंस होता है जो सेंटर ऑफ मास का वो काफ़ी दूर होता है, ये कॉन्साइड नहीं होते हैं, इसलिए इनके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट है। इसमें जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे के एक सिस्टमेटिक ढंग से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा दूर दूर में होता है, ठीक है। इसीलिए पोलर मोलिक्यूल के पोलर डायलैक्ट्रिक के पास ही केवल परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट का यहाँ पर दिखाया गया कि 10^-30 किलोमीटर होता है, ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका पोलर मोलिक्यूल का हो गया। अब हम लोग चलेंगे, आपको पोलर डायलैक्ट्रिक समझ में आ गया ना, हाँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक क्या होता है, जिसको आप नॉन पोलर मोलिक्यूल्स के रूप में भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि ए मोलिक्यूल इन विच जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस में पाया जाता है, प्रोटोन में, तो प्रोटोन का सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड होता है विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास और प्रोटॉन का सेंटर ऑफ मास यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड होगा, यानी एक ही जगह पर होगा, एक ही कॉमन पॉइंट पर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस तरह को मटेरियल को क्या कहते हैं, नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, उस तरह को मोलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, समझ में आ गया, जिसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक ही जगह पर होगा, कॉमन पॉइंट पर होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि द डाइलेक्ट्रिक मेड ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये हो गया। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपने क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ा था नॉन पोलर मोलिक्यूल का एग्जांपल, हाइड्रोजन मोलिक्यूल आपने पढ़ा था, नाइट्रोजन मोलिक्यूल आपने पढ़ा था, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब आपने क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ चुका है, ठीक है। तो नॉन पोलर मोलिक्यूल हैव सिमेट्रिकल शेप, देखिए वहाँ पर पोलर मोलिक्यूल का हमने शेप देखा था कि पोलर मोलिक्यूल्स का शेप अनसिमेट्रिकल होता है, जैसा मन तैसा हो सकता है पोलर मोलिक्यूल का शेप, लेकिन यहाँ पर नॉन पोलर मोलिक्यूल्स का शेप जो होता है ना वो सिमेट्रिकल होता है। क्यों सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि इसमें जो प्लस और माइनस जो चार्ज होता है वो एक ही कॉमन पॉइंट पर होता है, इसीलिए इनका जो शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि दे हैव जनरली जीरो डायपोल मोमेंट, और इनके पास डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होता है ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है, जब हम लोग डायपोल मोमेंट वहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तब, कि नॉन पोलर मोल, चलिए इसको आप मैं बुक वाला फोटो से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कौन साइड, यहाँ से फिगर में आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि कौन साइड किस तरह, तो जैसे यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा है इस तरह, लेकिन ये इस तरह है नहीं, ठीक है, ये इस तरह एक के ही ऊपर में एक चढ़ा हुआ है, ठीक है, ये दोनों का साइज सेम है, ठीक है, हाइड्रोजन मोलिक्यूल तो दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, तो और दोनों का सेंटर जो है ना वो एक ही पॉइंट पर है, तो इस तरह से आप यहाँ पर हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स को समझ सकते हैं। और यहाँ पर डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन दिखे, हमने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो देखिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी भागेगा इधर और ये भी भागेगा इधर, क्यों भागेगा इधर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये अपने इधर कहीं नेगेटिव खोजेगा तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कहीं भाग रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव की ओर, ठीक है,
तो यहाँ से देख रहे कि डायरेक्शन जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, यानी कहीं से अच्छा कहीं से नेगेटिव तो जरूर होगा, कहीं नेगेटिव जरूर होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएगा ये, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। मान लेते कहीं तो नेगेटिव होगा ना, दुनिया में कहीं भी तो नेगेटिव होगा ना, कोई भी मॉलिक्यूल के पास, तो यहाँ से उसके पास नेगेटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, तो देखिए एक ही जगह पर आकर टक्कर खा जा रहा है, यानी इसके पास डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, उसी तरह हम इसमें भी देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुल्स में कि ये इस तरह, ठीक है, इस तरह इसी तरह है, ठीक है, तीनों का सेम कार्बन कार्बन का सॉरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन का साइज रेडियस सेम है और कार्बन का साइज थोड़ा सा उससे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे कि तीनों का जो ना कॉमन पॉइंट सेम है, ठीक है, सेम है, ये सेम गुजरा है, ठीक है, सेम इस तरह गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव, कार्बन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो यहाँ पर भी आकर टक्कर खा जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी आपका डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह हम देखें कि नॉन पोलर मोलिकुल्स में डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो होता है, जबकि पोलर मोलिकुल में डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर भी लिखा है कि दे हैव जनरली जीरो डायपोल मोमेंट नॉन पोलर मोलिकुल्स में। ठीक है, जैसे यहाँ पर नॉन पोलर मोलिकुल का जिस तरह मैंने आपको बुक वाला फिगर से समझा दिया बढ़िया से। तो ये वीडियो आपको किस तरह लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का आपको इंटरेस्टिंग वीडियो और भी मिलता रहे। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।